दिल्ली से हुगली के लिए रवाना हुआ सियाचिन के हिम योद्धा का पार्थिव शरीर धारवाड़ के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। सियाचिन में मौत को हराने वाले हिम योद्धा ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली आखिरी सांसें, राष्ट्रपति समेत पूरे देश ने जांबाज को किया सलाम। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में लांस नायक हनुमंतप्पा को दी गई आखिरी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भोसले को किया सलाम। राहुल गांधी ने भी हनुमंतप्पा को दी श्रद्धांजलि, बरार स्क्वायर में मौजूद परिवार वालों के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बताया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी लांस नायक के निधन पर जताया शोक, कहा हनुमंतप्पा ने सियाचिन में दिखाई गजब की बहादुरी। लांस नायक हनुमंतप्पा के निधन की खबर से पैतृक गांव में पसरा मातम, उम्मीद टूटने से गहरे सदमे में है परिजन। शोक में डूबा हनुमंतप्पा का पैतृक गांव, मां के थम नहीं रहे आंसू। धारवाड़ के पैतृक गांव में दोस्तों ने लांस नायक को किया याद, कहा देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लांस नायक हनुमंतप्पा के लिए यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, जंतर मंतर पर जमा होकर कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के दरभंगा में हनुमंतप्पा के निधन पर शोक सभा का आयोजन, सैकड़ों महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर रखा 2 मिनट का मौन। हनुमंतप्पा की याद में वाराणसी में दीपदान, गंगा किनारे आरती के दौरान लोगों ने लांस नायक को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के जेएनयू में हनुमंतप्पा को श्रद्धांजलि, एबीवीपी ने किया शोक सभा का आयोजन। कोलकाता में भी हनुमंतप्पा को दी गई श्रद्धांजलि, बच्चों ने निकाला कैंडल मार्च। सिलीगुड़ी में लांस नायक को श्रद्धांजलि, लोगों ने हनुमंतप्पा के हौसले को किया सलाम। पैतृक गांव में शुरू हुई आखिरी विदाई की तैयारी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी रहेंगे मौजूद। हनुमंतप्पा के पैतृक गांव पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, लांस नायक के परिजनों से की मुलाकात। सुरकोकिला लता मंगेशकर ने हनुमंतप्पा को दी श्रद्धांजलि, कहा ऐसे ही जज्बे से महफूज हैं हम और हमारा वतन। सियाचिन में 35 फीट मोटी बर्फ की चादर के नीचे 6 दिनों तक दबे रहे थे हनुमंतप्पा, 2 फरवरी की रात को बर्फीले तूफान में हुए थे गायब। 3 दिन पहले सियाचिन से दिल्ली लाए गए थे, आर्मी के आरआर अस्पताल में चल रहा था इलाज। गवाही के तीसरे दिन लश्कर के आतंकी हेडली का बड़ा खुलासा, इशरत जहां को बताया आत्मघाती आतंकी। गवाही के दौरान कोर्ट में हेडली का बयान, लखवी ने मुजम्मिल को दी थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती और इशरत के एनकाउंटर में मारे जाने की सूचना। 5 जुलाई 2013 को हेडली ने अमेरिकी कोर्ट में भी इशरत को आत्मघाती आतंकी बताया था, दोबारा अपने कबूलनामे पर लगाई मुहर। इशरत को लेकर हेडली के खुलासे के बाद गरमाई सियासत, बीजेपी बोली खुल गई, देश में इशरत को शहीद बताने वालों की पोल। इशरत जहां पर खुलासे को लेकर केरल में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, माफी मांगे अब तक देश को गुमराह करने वाले। हेडली के खुलासे के बाद गिरिराज सिंह का नीतीश पर हमला, कहा इशरत को बिहार की बेटी वाले बयान पर माफी मांगे बिहार के सीएम। हेडली के खुलासे के बाद शिवसेना ने भी विपक्ष को घेरा, संजय राउत बोले जिन्होंने इशरत को बताया था संत उनके खिलाफ हो कार्रवाई। इशरत जहां पर हेडली के दावे को लेकर कांग्रेस ने की जांच की मांग, मनीष तिवारी बोले फर्जी एनकाउंटर पर सियासत का नहीं है कोई फर्क, क्या कहने वाला है हेडली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा, कहा राष्ट्र विरोधी है हेडली के बयान पर शक करना। हेडली के खुलासे पर जेडीयू ने दागे सवाल, अली अनवर ने पूछा क्या हरीशचंद्र के अवतार है लश्कर का आतंकी। सुप्रीम कोर्ट के वकील वृंदा ग्रोवर ने हेडली के खुलासे पर उठाए सवाल, कहा कोर्ट में सरकारी वकील ने लश्कर आतंकी को दिए थे विकल्प। हेडली के खुलासे पर इशरत के परिजनों ने भी उठाए सवाल, कहा कोर्ट में कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहे थे सरकारी वकील। हेडली के कबूलनामे को इशरत की मां शमीमा कौसर ने बताया साजिश, कहा मेरी बेटी की हत्या की गई।
इशरत का एनकाउंटर करने वाले अधिकारी डीजी वंजारा बोले सच आया सामने, निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु पर कार्यक्रम और भारत विरोधी नारों पर घमासान, एबीवीपी ने विरोध में निकाला मार्च। एबीवीपी के मार्च का वामपंथी छात्र संगठनों ने किया विरोध, एसएफआई की सफाई, हम नहीं है राष्ट्रद्रोही। कानपुर में दिखा जेएनयू विवाद का असर, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका अफजल गुरु का पुतला। जेएनयू विवाद को लेकर बीजेपी सांसद महेश गिरी ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जेएनयू विवाद पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जताई चिंता, कहा छात्रों को सोचने की जरूरत कि क्यों हुई घटना। धार में बसंत पंचमी की जोरदार तैयारियां, सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के जोरदार इंतजाम। बसंत पंचमी के लिए 8,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, आरएएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां भी तैनात, 140 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी। नमाज को लेकर अड़े धार के मुसलमान, शहर काजी ने सरकार पर लगाया मुसलमानों से बातचीत नहीं करने का आरोप। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में दिनभर पूजा को लेकर अड़े हिंदू संगठन, कहा अगर पढ़ी गई नमाज तो बाहर होगी पूजा। धार में मुस्लिमों के एक तबके ने दिखाया सद्भाव, कहा बसंत पंचमी पर हिंदुओं को दिनभर मिले भोजशाला में पूजा की इजाजत। दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड इवन फॉर्मूला, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बोर्ड परीक्षा के बाद 15 से 30 अप्रैल तक दूसरा फेज। ऑड इवन में बाइक सवारों और महिलाओं को जारी रहेगी छूट, केजरीवाल बोले परिवहन की समुचित व्यवस्था होने पर ही पूरी तरह लागू किया जाएगा फॉर्मूला। खडूर साहिब उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पानी वाली बस में बिठाकर कांग्रेसियों को डुबो देंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद बीएचयू में भी वैलेंटाइन डे पर नसीहत, कुलपति गिरीश त्रिपाठी ने कहा फूहड़ अब संस्कृति फैलाने की कोशिश मंजूर नहीं। गजेंद्र खुदकुशी केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, कल दिल्ली पुलिस ने भेजा था समन। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनाया दिल्ली का फंडा, जनता की राय शुमारी से तैयार होगा घोषणा पत्र। केजरीवाल ने खालिस्तान समर्थकों से सांठगांठ के आरोपों को किया खारिज, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाए थे इल्जाम। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिनों के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गांव वालों से की मुलाकात। सतना में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के रोड शो को लेकर विवाद, बाइक चलाने वाले ने नहीं पहनी थी हेलमेट, पीछे बैठे थे मुख्यमंत्री। वैलेंटाइन डे के विरोध में जोर पकड़ी सियासत, हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया हुड़दंग। दिल्ली पुलिस ने फिर शुरू किया ऑपरेशन शिष्टाचार, छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ जोरदार मुहिम। उत्तरी दिल्ली में चलाया जा रहा है ऑपरेशन शिष्टाचार, मंचलों पर काबू के लिए सादी वर्दी में लग गई हैं महिला अधिकारी। पठानकोट हमले में आतंकियों ने बम बनाने की नई तकनीक का किया था इस्तेमाल, आज तक से खास बातचीत में एनएसजी के डीजी का खुलासा। कैप्टन शिखरदीप को लेकर सेना ने जारी किया बयान, का हो रही है ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश, 7 फरवरी से लापता है शिखरदीप। दक्षिणी बैंगलोर में तेंदुए की दहशत, करीब 134 स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, घरों में दुबके लोग। सांसदों के दल ने पंजाब में लिया पाकिस्तान सीमा का जायजा, खामियों को लेकर संसद को सौंपेंगे रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में समाजवादी उम्मीदवार के नामांकन में हथियारों के साथ पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता, कलेक्टर कैंपस में घुसकर की नारेबाजी। आरके पचौरी की अंतरिम जमानत रद्द करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, टेरी के उपाध्यक्ष हैं पर है यौन शोषण का आरोप। लालू यादव के साले साधु यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज, बिल्डर से पैसे मांगने का आरोप, साधु ने आरोपों को किया खारिज। बिहार के जमुई में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, सरस्वती पूजा में डीजे की इजाजत नहीं मिलने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। थम नहीं रहा रोहित वेमुला को लेकर बवाल, नागपुर में स्मृति ईरानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में फैक्ट्री मजदूरों ने केजरीवाल सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, मायापुरी में फूंका मनीष सिसोदिया का पुतला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन के आसार, सीपीएम ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी।
एलजेपी नेता बृजनाथी सिंह की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, वैशाली के राघोपुर में हुआ था मर्डर। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया आईएसआई एजेंट इरशाद का साथी कुछ दिनों पहले पठानकोट से धरा गया था इरशाद। कानपुर में सास के प्रेम में चली गई बहू की जान, पति ने ही कर दिया कत्ल, सास के साथ रहना चाहती थी बहू। बंगाल से अपनी मां की हत्या कर भागी लड़की फिरोजाबाद में प्रेमी के साथ गिरफ्तार, 26 जनवरी को दिया था वारदात को अंजाम। हरदोई के माधोगंज में महज 50 रुपए के लिए युवक की हत्या, दोस्त पर लगा आरोप, कुएं से बरामद हुआ शव। मिर्जापुर में कुरियर के जरिए हथियार की सप्लाई करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा, 5 पिस्तौल, 7 मैगजीन, 9 कारतूस जब्त। मथुरा में जीआरपी ने 2 जहर खुरानों को किया गिरफ्तार, चोरी के जेवरात, कैश और नशीला पदार्थ बरामद। समस्तीपुर में किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट, इलाज के दौरान पटना में किराएदार की मौत, गुस्साए लोगों ने मकान मालिक के घर पर की तोड़फोड़। बिहार के खगड़िया में नाबालिग से गैंगरेप, पहचान के बावजूद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। मोतिहारी में ड्रग तस्करी के मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार, 4 किलो ब्राउन शुगर जब्त। पूर्वी मिदनापुर में इंजीनियरिंग के छात्र का तालाब में मिला शव, कॉलेज के नजदीक छात्र की लाश मिलने से सनसनी। भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र ने की खुदकुशी, सुइसाइड नोट में मां बाप को मिस करने का जिक्र। धोनी के गृह मैदान रांची में कल टीम इंडिया का इम्तिहान, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बने रहने के लिए मैच जीतना जरूरी। T20 मैच से पहले टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री का बयान, पुणे की हार की गलती रांची में नहीं दोहराएंगे। बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर वेस्टइंडीज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह, 14 फरवरी को टीम इंडिया से होगी खिताबी जंग। 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय तैराकों ने झटके 7 गोल्ड मेडल, मंगलवार को मेजबान श्रीलंका में छाया रहा भारतीयों का दबदबा। भारतीय तैराकों में सौरभ सांगवेकर, सजन प्रकाश और पीएस मधु ने पुरुष तैराकी में जीता गोल्ड, महिलाओं में मालविका दामिनी गौड़ा को मिली कामयाबी। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट, 807 अंक की गिरावट के साथ 22,951 पर बंद हुआ सेंसेक्स। भारत में कच्चे तेल का भंडारण करेगा यूएई, करीब 5,00,000 टन कच्चा तेल देश को मिलेगा मुफ्त। 3,700 करोड़ पर पहुंचा एलओसी पर कारोबार, 2008 से अब तक करीब 3,200 ट्रक भेजे गए मुजफ्फराबाद। दाल कारोबारियों पर होगी आईबी और डीआरआई की नजर, दाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने दिए निर्देश। साल 2015-16 के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड देगा 750 करोड़ रुपए का वन टाइम बोनस, ब्याज दरें बढ़ाने पर सस्पेंस। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में लिपटा गुलमर्ग और पहलगाम, निचले इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद। राजस्थान में पारे ने लगाई छलांग, औसतन 1 से 3 डिग्री तक चढ़ा तापमान। लड़के लड़की में भेदभाव खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार की पहल, राज्य के स्कूलों में मनाया गया लड़कियों का जन्मदिन। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को बड़ा झटका, 2015 के आखिरी 3 महीनों में नहीं जुड़े नए यूजर, शेयरों में गिरावट। भारतीय मूल की हरिंदर संधू होंगी भारत में ऑस्ट्रेलिया की नई उच्चायुक्त, पंजाब का रहने वाले हैं संधू का परिवार। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ का आरोप, आतंकवादियों को आर्थिक मदद दे रही है विदेशी जासूसी एजेंसियां। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर पर हुए बेहोश। आईसिस का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने, ब्लास्ट करता दिखाई दे रहा है 4 साल का जिहादी जूनियर। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी का खुलासा, आईसिस ने बनाया हेल्प डेस्क, आतंकियों को बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस से बचने के उपाय। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prithi and what's new? Well, we're in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where...